दोस्तों आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो टैरी PRP 9 है वो लेटेस्ट अपडेट के साथ आ चुका है, 6.2 के साथ आया हुआ है। और उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, अपने टैरी PRP 9 को कैसे अपडेट करेंगे, वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। GST R2 अब हम अपने टैरी के थ्रू डायरेक्ट GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपसे अगर ये कहना चाहूँ कि हम अपने GST R2 में लेके आ रहा था तो उसमें कई चीजें प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोगों को पता ही, आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम उसको अच्छी तरह वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो टैली ने अपना लेटेस्ट वर्जन निकाला है 6.2, उसके थ्रू हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं GST R2 को, यानी डायरेक्ट अपने टैली के थ्रू JSON 5 को अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पर। उसको हम डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं अपने टैली के थ्रू। तो उसको हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे रिलीज 6.1.1 आ रहा है, और अगर मैं इसमें कोई कंपनी सेलेक्ट करके ओपन करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी कंपनी ओपन कर लेते हैं, और डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट GST और GST R2 में अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी एक्सपोर्ट GST R2 ये हाईलाइट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं GST R2 तो जो टैली R2 9 का लेटेस्ट वर्जन है 6.2 उसको मैं जैसे ही अपडेट करूंगा, अपडेट करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आएगा लोड का, वो ऑप्शन क्या होते हैं और उसमें कई सारे ऐसे फीचर आएंगे, वो सारे फीचर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी देख लीजिए कि इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इसे अपडेट करेंगे। तो आप पोर्टल पे जाइएगा, पोर्टल पे जाने के बाद GST TeleSolution.com ये आपको टाइप करना है अपने गूगल पे, जो भी आप नेट यूज कर रहे होंगे। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ओपन होकर। ठीक है, तो ये टैली सॉल्यूशन वालों का साइड है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, TeleSolution 6.2 इज पैक्ड विद रिच कैपेबिलिटी एंड इजी फाइलिंग ऑफ GST R2, इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इनवॉइस मैचिंग एंड गिव इट फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्लूड मिसिंग परचेस इनवॉइस टू क्लेम राइट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिटर। TeleSolution 6.2 जनरेट GST R2 इन JSON डायरेक्ट विच इज द एक्सेप्ट फॉर न्यू JSON पोर्टल। यानी अब हम टैली के थ्रू डायरेक्ट JSON फाइल अपना GST R2 को कर सकते हैं और अपने GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में मुझे आपको पूरा फॉर्मेट बताना होगा। जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये सेटअप आ जाएगा डाउनलोड का। मुझे कहीं और कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो इसे रन कर लीजिएगा। तो मैं इस टैली को बंद कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैं नया सेटअप ले रहा हूँ। देखिए रन होने लगा, कुछ टाइम लगेगा इसमें रन होने में। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको टैली में दिखाऊंगा कौन कौन से नए फीचर इसमें ऐड हुए हैं और उन फीचर के बारे में। देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है पूरा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए टैली हमारा अपडेट हो चुका है और GST R2 में कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो
देखिए यहाँ पे सीरीज के रिलीज 6.2 जो हमारे रिलीज है 6.2 हो चुका है। आप देख इसको मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके स्टेटमेंट को जीएसटी और जीएसटी एक्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लोड फाइल एक्सपोर्ट रिटर्न ट्राई डेबिट नोट रेगुलर 6C। पहले B2B इनवॉइस के साथ हम 6.1 की बात करें तो वहां पे मैं ऑल टैब पर प्रेस करूँ। यहाँ पे देखिए रिवर्स चार्ज सप्लाई सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा था टैक्स प्रोटेक्शन, लेकिन इसमें ट्राई डेबिट नोट रेगुलर ये भी ऑप्शन आ चुका है और भी काफी ऑप्शन यहीं पे आ गए रिलेटेड में। तो ये क्या है सारे ऑप्शन ये एक ही करके मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा। दोस्तों ओपन जीएसटी पोर्टल देखिए ये भी नया ऑप्शन आ गया है लोड फाइल और एक्सपोर्ट रिटर्न। तो ये ऑप्शन क्या है इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए तो वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच।